नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर सुनील शेट्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बहुत ही बड़ी भावुक अपील कर दी है। आइए सुनिए, जानते हैं क्या अपील। दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड। आपके कहने से ही ये प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में फिल्मी जगत के सभी सितारों के साथ एक बड़ी बैठक की थी, जिस बैठक में सभी अभिनेताओं ने शामिल हुआ था। इस बैठक में एक बड़ी सी भावुक अपील सुनील शेट्टी जी के द्वारा किया गया, जिसमें आप लोग जानते हैं पिछले दिनों काफ़ी लोग बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा आप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर चाहेंगे तो ये बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है और फिर से जितने भी प्रशंसक हैं अपने सिनेमा घरों में टिकट लेकर सिनेमा देख सकते हैं। ये जो हैशटैग चल रहा है ये आप लोग दूर कर सकते हैं। सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है, तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफ़ी अच्छी फिल्म में मैं रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलके उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी के इंडिया बोलते थे कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट, यू नो, कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, मेरा दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। सुनील शेट्टी के इस भावुक अपील के कारण सुनील शेट्टी सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं और साथ ही जैकी श्रॉफ ने सुनील शेट्टी की पीठ थपथपाकर बताया भी। यही कि एक स्टेट, यूपी जैसा स्टेट अगर साथ दे तो बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। अगर यूपी के लोग माने कि ये जो बॉलीवुड के बारे में कहा जा रहा है वो वैसा है नहीं, सभी लोग वैसे हैं नहीं, एक घर में भी, एक फैमिली में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बिगड़ा बच्चा होता ही है। हमारा काम क्या है, उसे सुधारना, ना कि उसे उस रास्ते पे आगे चलना। तो मेरी दरख्वास्त यही थी कि अगर ये भी ट्रेंड अगर चेंज हो जाए तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। यूपी सिर्फ, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि यूपी जैसा स्टेट आगे आकर एक पॉलिसी सेट कर रहा है एंड इट इज़ द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन द कंट्री। मैं ये कभी चाहता ही नहीं कि हम बाहर जाके शूट करें, मैं हमेशा चाहता रहा हूँ कि शूट करें तो इंडिया में ही शूट करें, क्योंकि रेवेन्यू भी हमें मिलता है, सब कुछ हमें ही मिलता है। तो ये मेरी दरख्वास्त है और मैं पीछे पड़ा रहूँगा कि ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए हमारे लिए।